हेलो। अरे यार, ये इचिंग को भी अभी आना था यार। इतनी गंदी इचिंग हो रही है, क्या करूं? अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ तो शर्म करिए। अरे मैम, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, बहुत गंदी इचिंग हो रही है। जो भी है भैया। अरे मैम सुनिए तो सही यार। तो गाइस, ऐसा हाल होता है अगर हम अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से टेक केयर नहीं करते हैं। हमारा स्किन केयर रूटीन है, हेयर केयर रूटीन है, बॉडी रूटीन है, बट इंटीमेट केयर का कोई रूटीन ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही इंटीमेट केयर हैक्स बताने वाला हूँ जो कि हम लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। सो जल्दी से इस वीडियो का लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो यार अंकित। हाँ भाई बोल। आज बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज हुई मेरे साथ। अरे हुआ क्या ये तो बता। क्या करूं यार। अरे तो तुझे मेरी नहीं स्वैश इंटीमेट वॉश फॉर मेन की जरूरत है। इंटीमेट वॉश? ओह नो। अरे यार वो तो लड़कियों के लिए होता है ना। यही तो तेरी गलतफहमी है। जितना जरूरी इंटीमेट वॉश लड़कियों के लिए है उतने ही ज्यादा जरूरी लड़कों के लिए भी है। बट कौन सा इंटीमेट वॉश लेना चाहिए? रुक मैं तुझे कुछ भेजता हूँ। रुक डोर पे कोई आया है। अरे यार पता नहीं किसी ने मैन मैटर्स का कुछ भिजवाया है। मिल गया ना? क्या तूने भिजवाया है इतनी जल्दी? यार दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट तूने चेक किया इसमें कोई केमिकल तो नहीं है? आखिर वंश का सवाल है। नहीं, ये बाकी इंटीमेट वॉश की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, तुझे अगर उस एरिया में कुछ इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी है तो भी वो ठीक करता है। रिमूव्स ओडर ऑल्सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स पैराबीन फ्री। अंदर एलोवेरा है, टी ट्री ऑयल है और ऑलिव ऑयल है ना, ये बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट। अरे यार अंकित एक बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे इंटीमेट वॉश की क्या जरूरत है? हम साबुन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन के अंदर जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं वो तेरी स्किन के पीएच लेवल को इनबैलेंस कर देता है। पीएच लेवल का इनबैलेंस होना मतलब और ज्यादा बैक्टीरिया जनरेट होना। सो दैट्स व्हाई यू नीड स्वैश इंटीमेट वॉश फॉर मेन, ना कि साबुन, समझा अब? ओहो ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, बट यूज कैसे करना है इसे? अरे बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर ले। ल्यूकवॉर्म वाटर मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे कि वो तेरे पोर्स को ओपन अप कर देगा। अगर ल्यूकवॉर्म वाटर नहीं भी है देन ऑल्सो इट्स फाइन। प्राइवेट पार्ट के एरिया को वेट कर ले, थोड़ा सा स्वैश इंटीमेट वॉश फॉर मेन ले, अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दे, लीव इट फॉर 15 to 20 seconds एंड जस्ट वॉश इट ऑफ। परफेक्ट, चल मैं इसको यूज करता हूँ। चल ओके बाय। आज कौन सा अंडरवेयर पहनूं यार? इसमें तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इसमें बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। वेल ये प्रॉब्लम बहुत सारे लड़कों की है, उनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सा फैब्रिक का अंडरवेयर हमें एवरीडे पहनना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है तो आपको कॉटन या फिर माइक्रो मॉडल फैब्रिक के अंडरवेयर पहनने चाहिए, क्योंकि ये फैब्रिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। ये वाला सही है। अबे मूर्ख, हाथ तो धो लिए और प्राइवेट पार्ट को धोया? उसको धोने की क्या जरूरत है, हाथ ही तो मेन पार्ट है।
आई थिंक हम में से काफी सारे लड़के ये गलती करते हैं। टॉयलेट करने के बाद हम अपने हाथ तो धो लेते हैं मगर प्राइवेट पार्ट को वाइप आउट करना बिल्कुल भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बदबू और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल हैक है, टॉयलेट करने के बाद आप कोई भी टॉयलेट पेपर में थोड़ा सा स्वैश इंटीमेट वॉश ले लीजिए, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। स्वैश आपके प्राइवेट पार्ट के पास जितनी भी बैक्टीरिया है उनको टाइम टू टाइम किल करता है, जिससे कि बदबू और इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। यार इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इचिंग खत्म नहीं हो रही है, क्या गलत कर रहा हूं मैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। पर क्या? अंडरवियर। अंडरवियर एक ऐसी चीज है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट को सपोर्ट करके रखती है और आपके प्राइवेट पार्ट के साथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अंडरवियर में कुछ बैक्टीरिया रह जा रहे हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग पैदा कर रहे हैं और उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। सो टू बी सेफर साइड, आप हर बार अंडरवियर को वॉश करने से पहले उसको 10 से 15 मिनट के लिए डेटॉल के पानी में भिगो के रख दीजिए, जिससे कि उसमें अवेलेबल जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से किल हो जाएंगे एंड योर प्राइवेट पार्ट विल बी टोटली हाइजीनिक एंड सेफ। वॉलेट रख लिया, घड़ी रख ली, सब कुछ रख लिया। हेलो, हाँ अंकित भाई बोलो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी दिक्कतें अब दूर हो गई? हाँ भाई, स्वैश इंटीमेट वॉश यूज करने के बाद मेरी आधी से ज्यादा परेशानियां तो वैसे ही दूर हो गई हैं। थैंक यू भाई। और क्या कर रहा है? मैं तो बस अभी ऑफिस जा रहा था। सब कुछ रख लिया ना? सब कुछ रख लिया है, घड़ी, वॉलेट, लैपटॉप, एवरीथिंग। और स्वैश इंटीमेट वॉश वो रखा कि नहीं? स्वैश ऑफिस में उसका क्या यूज है? अरे यार देख, तू बाहर जाता है, ऑफिस में काम करता है, ऑफिस का टॉयलेट यूज करेगा, या अगर तू काम से कहीं बाहर हुआ तो तू पब्लिक टॉयलेट यूज करेगा जो कि बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या जिनके घर में दो या तीन लोग हैं जो कि सेम बाथरूम यूज करते हैं वो भी हाइजीनिक नहीं होता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट रिस्क तुझे स्वैश इंटीमेट वॉश अपने पास हमेशा रखना चाहिए, यूज करने के बाद टिश्यू पेपर में लेकर के। और याद है ना बाकी का? भाई यू आर अ लाइफ सेवर, मैं अभी रखता हूँ। गुड, चल टेक केयर। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे इंटीमेट केयर हैक्स विच आई फील कि हम सबको जानने बहुत जरूरी हैं और हम सबको अपनी लाइफ में एवरीडे इंक्लूड करने चाहिए। आई होप कि ये हैक्स आपके लिए काफी यूजफुल होंगे और आप इनको एवरीडे लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी इन हैक्स के बारे में पता चले, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव अ हेल्दी एंड हाइजीनिक लाइफ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हियर इज माय हैंडल। आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।